वेलकम टू द एक्स्ट्रा क्लास इंग्लिश. आज हम करने वाले हैं आपका चैप्टर द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट बाय रॉबर्ट डब्ल्यू पीटरसन. ऑथर की बात करें तो वो एक अमेरिकन न्यूज़पेपर राइटर है. एंड यहाँ पे द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट चैप्टर में वो बात कर रहे हैं किसकी, रिचर्ड ई ब्राइट की. अब रिचर्ड ई ब्राइट कौन है, वो एक अमेरिकन मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट है और उन्हीं के बारे में हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से अपनी लाइफ में उन्होंने जितने भी रिवॉर्ड्स हैं, जितने भी जो अवार्ड्स हैं वो जीते हैं, उन सब की शुरुआत कैसे हुई, कैसे जो उनका इंटरेस्ट था वो बायोलॉजी में आया, कैसे किस तरीक़ों से उन्होंने स्टडीज़ करी डिफरेंट एंड उनके लिए उनको अवार्ड मिलते गए. तो हम ये देखेंगे उनके चाइल्डहुड से. तो यहाँ पे पहले मैं लिखने वाली हूँ कि उनको कौन से टाइम पे कौन सा अवार्ड या कौन से एक्सपेरिमेंट जो थे वो उन्होंने किए थे, क्योंकि उसकी जो सीक्वेंस है वो आपको याद में रखनी ज़रूरी है. ऑल्दो आपको ये बात इस चैप्टर में ध्यान रखनी है कि इस चैप्टर से आपके बोर्ड एग्ज़ाम में ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आए हैं, यानी कि ये चैप्टर इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है. इसीलिए हम इसकी सिर्फ एक ब्रीफ समरी करेंगे जहाँ मैं आपको बताऊँगी सिर्फ और सिर्फ इम्पॉर्टेंट थिंग्स. सो पहले मैं यहाँ पर कुछ इम्पॉर्टेंट थिंग्स हैं लिखने वाली हूँ. सो ये रफली मैंने कुछ अचीवमेंट्स हैं जो लिखी है रिचर्ड ई ब्राइट की. अब सबसे पहले तो जो ये चैप्टर है या जो आर्टिकल है वो शुरू होता है इसमें बताने ऑथर हमें कि बेसिकली रिचर्ड ई ब्राइट दूसरे बच्चों से थोड़े डिफरेंट थे. अब बाय द एज ऑफ 22 वो फॉर्मर स्काउट ऑफ द ईयर तो रह ही चुके थे और अपने एक्स रूममेट के साथ उन्होंने एक थ्योरी लिखी थी ऑन हाउ सेल्स वर्क, जो कि एक बहुत फेमस साइंस जर्नल में साइंटिफिक जर्नल में पब्लिश भी हुई थी एंड ये काफ़ी बड़ी बात थी. तो ये बेसिकली जब पैदा हुए थे ही वॉज बॉर्न एंड ब्रॉट अप, तो ये ज़्यादातर रीडिंग में इन्वॉल्व रहते थे एंड पेंसिल्वेनिया में बेसिकली ये रहते थे और जितना हो सकता था ये उतना पढ़ते थे, इन्हें पढ़ने में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट आता था. देन ये बताते हैं कि उसके साथ साथ ये एक बहुत ही जब इनका मन करता था ये बहुत ही एक्टिव स्टार गेजर भी होते थे, अलग अलग चीज़ों को ऑब्जर्व करते थे और सबसे ज़्यादा इनको अच्छा लगता था कलेक्शन करना. एंड किस चीज़ की, इनका जो इंटरेस्ट था बाद में हम देखते हैं कि बटरफ्लाइज कलेक्ट करते थे. स्टार्टिंग से ही इनकी जो भी इंटरेस्ट है वो था चीज़ों को देखने में, ऑब्जर्व करने में, कलेक्ट करने में. तो जो इनकी मदर है वो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा उनके लिए सपोर्टिव रही, उनको काफ़ी सपोर्ट करती थी. एंड जब से जो इनके फादर थे उनकी डेथ हुई थी तो इनकी मदर ने पूरी कोशिश करी कि उनको किसी भी चीज़ की कमी ना हो. इनफैक्ट उनको पता था कि रिचर्ड को नई नई चीज़ों को सीखने में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट आता है, तो वो उनके लिए टेलीस्कोप भी लेकर आती, फिर कभी ना कभी कोई नई चीज़ ले आती, कभी कोई नई चीज़ ले आती, तो डिफरेंट चीज़ें जो थी वो उनके लिए लेकर आती थी ताकि रिचर्ड ई ब्राइट आराम से जो भी चाहे वो कर सकते थे. उन्हें पता था कि रिचर्ड को लर्न करना अच्छा लगता था, तो ये लोग जब रात को डाइनिंग टेबल पे एक साथ बैठते थे तो ये इनके लिए नई नई चीज़ें जो थी इनको बताती थी कि इस चीज़ के बारे में तुम लर्न कर सकते हो, समझ सकते हो. उनकी मदर को पता था कि रिचर्ड का इंटरेस्ट हमेशा नई चीज़ों को समझने, सोचने और ऑब्जर्व करने में था. देन ये बताते हैं कि जो इनकी मदर है अपार्ट फ्रॉम दैट इनके लिए जो दोस्त है वो भी लेकर आती थी. इसका मतलब ये कि वैसे इनके कोई ज़्यादा दोस्त नहीं थे लेकिन इनकी मदर ने पूरी कोशिश करी कि इनके जो दोस्त हैं कोई बच्चे जो हैं इनके दोस्त बन जाए. तो कोई क्लासमेट होता था, कोई होता था, तो उनको वो इनवाइट कर लिया करती थी ताकि वो रिचर्ड के दोस्त बन जाए और उनकी जो लाइफ है वो ईजी गोइंग हो जाए. देन वो बताते हैं कि स्कूल में उनको हर चीज़ में अच्छे ग्रेड्स मिलते थे एंड स्ट्रेट ए स्टूडेंट थे, मतलब कि काफ़ी अच्छे ही ग्रेड्स, हमेशा टॉप ग्रेड्स जो थे वो लेकर आते थे और बाकी सारी चीज़ों में बाकी सारे बच्चों की तरह वो नॉर्मल थे. जस्ट दैट कि इनका जो इंटरेस्ट था वो कहाँ था ज़्यादा से ज़्यादा, वो था कलेक्शन में, ऑब्जर्विंग थिंग एंड लर्निंग न्यू थिंग्स में. देन बाय सेकेंड क्लास इनफैक्ट उन्होंने अपने होम टाउन में 25 स्पीशीज ऑफ जो बटरफ्लाइज थी वो ऑलरेडी कलेक्ट कर चुके थे एंड उनको ये कलेक्शन करनी, जैसे मैंने आपको बताया, अच्छी तो लगती ही थी. तो एक बार इनकी मदर इनके लिए एक बुक लेकर आती है एंड उस बुक बेसिकली किस चीज़ के बारे में होती है, वो बुक इस चीज़ के बारे में होती है कि किस तरीके से जो बटरफ्लाइज है वो माइग्रेट करती हैं फ्रॉम सेंट्रल अमेरिका ये स्टडी करने के लिए. तो बाय द एंड ऑफ द बुक क्या होता है, जो साइंटिस्ट हैं वो काफ़ी ज़्यादा ईगर थे उनकी स्टडी करने में, उनकी माइग्रेशन को जो था स्टडी करने में. तो उन्होंने एक ओपन इनविटेशन दे रखा था बच्चों को कि जो भी इस बुक को पढ़ता है, जो भी बच्चा चाहे, वो बेसिकली क्या करे, कोई भी बटरफ्लाई उसे मिले तो उसे वो टैग कर दे या आप कह सकते हैं कोई ना कोई जो निशानी है वो उस पर लगा दे, जिसकी वजह से उसका जो बिहेवियर है, माइग्रेंट बिहेवियर है कि वो कहाँ कहाँ जाती है, कहाँ कहाँ पहुँचती है, तो वो उन लोगों को पता चले. एंड साइंटिस्ट ऑल ओवर, ठीक है, उनको स्टडी करना था इनका जो माइग्रेशन पैटर्न था वो. तो
इस तरीके का ओपन इनविटेशन था दैट वाज गिवन टू एवरीबॉडी जो कि कलेक्शन कर सकता था. एंड ये करने को उनको किसने कहा था? बेसिकली यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो में, कनाडा में, जो एक बहुत ही फेमस साइंटिस्ट या आप कह सकते हैं डॉक्टर फ्रेडरिक जो थे, उन्होंने ये कहा था करने को. तो जब उन्होंने ये पढ़ा तो ये कहते हैं कि वैसे तो मैं कलेक्ट करके थक चुका था, जितनी भी बटरफ्लाईज थी ऑलरेडी मैंने 25 स्पीशीज तो कलेक्ट कर ही ली थी, लेकिन जब मैंने ये बुक पढ़ी ऑलमोस्ट मुझे वापस से लगा कि नहीं, मुझे ये जो कलेक्शन है वो स्टॉप नहीं करनी चाहिए. तो अब ये ढेर सारी जो बटरफ्लाईज थी उनको कलेक्ट करते थे, टैग करते थे एंड एवरीथिंग. बट इनके पास इतना दिमाग था, इनको पता था कि अगर एक एक बटरफ्लाई को ये ढूंढने लगे, टैग करने लगे, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा. तो ये क्या करते थे, एक जो मदर मोनार्क होती थी, ठीक है, जो आप कह सकते हैं बटरफ्लाई होती थी, उसको वो रखते थे अपने पास बेसमेंट में, ठीक है, दैट यूज टू ले एग्स. फिर उस जैसे कि फ्लॉक ऑफ बटरफ्लाईज जो थी वो गैदर करते थे, वो क्या करते थे, दे यूज टू ब्रीड, ठीक है, एंड उसके बाद दे यूज टू ले एग्स. ऑब्वियसली बात है, अब क्या करते थे, ढेर सारी बटरफ्लाईज हो जाती थी एंड देन उनको वो टैग करते थे. लेकिन उनको ये काफ़ी ज़्यादा बोरिंग लगने लगा. मीनवाइल उनको लगता था ये क्या हो रहा है, बहुत टाइम से जो बटरफ्लाईज है मैं उनको इकट्ठा करता हूँ, आई टैग देम, फ्लॉक ऑफ बटरफ्लाईज जो ब्रीड करती हैं, ये सारा जो प्रोसेस था काफ़ी ज़्यादा बोरिंग हो चुका था उनके लिए अब ये. एंड अब ये बड़े भी होते जा रहे थे, तो अब क्या हुआ, इनको अपना फर्स्ट आप कह सकते हैं एक्सपीरियंस ऑफ कॉम्पिटिटिव स्पिरिट तब नज़र आया जब इन्होंने अपने स्कूल में या जब भी अपने क्लास में पढ़ रहे थे इन सेवेंथ क्लास, और इन्होंने एक काउंटी साइंस फेयर को लूज़ किया. बेसिकली वहाँ पे उन्होंने पार्ट तो लिया लेकिन ये वहाँ जीते नहीं, वहाँ वो हार गए. एंड वो हारे क्यों, क्योंकि उन्होंने बस क्या किया, सिंपल फ्रॉग टिश्यूज़ जो है उनको बहुत ही क्लीनली नीटली प्लेस करके दिखा दिया माइक्रोस्कोप के अंदर, लेकिन इनके साथ जो बाकी कॉम्पिटिटर्स थे जो जीते थे वो एक्चुअल में रियल एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे. तो उनको ये बात रियलाइज़ हुई कि मुझे कोई भी चीज़ को जीतने के लिए हमेशा एक कदम आगे रहना पड़ेगा, रियल चीज़ें करनी पड़ेगी. सो फॉर द नेक्स्ट ईयर इन्होंने सोचा कि मैं हार नहीं सकता. तो पहले ही बता दूँ ये काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिटिव स्पिरिट के थे, तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो एक लेटर लिखेंगे. एंड वो लेटर किसको लिखेंगे, डॉक्टर फ्रेडरिक को, एंड उनसे सजेशंस मांगेंगे कि मैं करूँगा तो क्या करूँगा. तो उनके दिमाग में ये बात कहीं ना कहीं थी कि मैं सिर्फ एक चीज़ है जिसपे बहुत सारी चीज़ें कर सकता हूँ, जिसपे एक्चुअली रियल एक्सपेरिमेंट्स कर सकता हूँ जिससे रिलेटेड, क्योंकि उस चीज़ के बारे में मैं बेस्ट जानता हूँ. तो क्योंकि ये बहुत सारे इंसेक्ट्स एंड बटरफ्लाईज को ऑलरेडी कलेक्ट कर चुके थे, अपनी लाइफ में उन्होंने ये सारी चीज़ें कर रखी थी, तो उन्हें लगा कि ये मेरे लिए बेस्ट चीज़ होगी, सेफ साइड होगी और मैं ये कॉम्पिटिशन जीत जाऊँगा. तो जो नेक्स्ट ईयर था वो जो काउंटी फेयर था वो जीत चुके थे. अब बेसिकली उसमें उन्होंने क्या किया था, उसमें उन्होंने एक स्टडी करने की कोशिश करी थी कि ऐसा कौन सा डिजीज़ है जिसकी वजह से बहुत सारे जो कैटरपिलर्स हैं उनकी डेथ हो जाती है. तो उनको पता चला कि इस डिज़ीज़ को कैरी करते हैं बीटल्स. अब इसमें बीटल यानी कि वो भी इंसेक्ट्स होते हैं, वो कैरी करते हैं इस डिज़ीज़ को. लेकिन यहाँ भी इन्होंने एक्चुअली कुछ रियल चीज़ जो थी, रियल एक्सपेरिमेंट था, वो नहीं किया था, बट ही स्टिल वन. मीनवाइल इनको काफ़ी सारे सजेशंस वगैरह आ चुके थे डॉक्टर फ्रेडरिक की तरफ से, उन्होंने बहुत सारे आइडियाज़ जो थे वो इनको बता दिए थे. तो इनके जो स्कूल के ईयर्स थे वो सारे स्पेसिफिकली आप कह सकते हैं सेवेंथ, एट, नाइन, टेंथ, ये सारा टाइम जो था उनका इन्हीं काउंटी फेयर्स में पार्ट लेने में, आइडियाज़ पे वर्कआउट करने में, इन सब चीज़ों में हमेशा बिजी रहे. सो द नेक्स्ट ईयर इन्होंने सोचा कि मैं टेस्ट करूँगा ये थ्योरी को कि ये जो वॉइसरॉय बटरफ्लाइज होती है बेसिकली ये कॉपी करती है मोनार्क्स को. अब ये वॉइसरॉय बटरफ्लाईज क्या होती है, मोनार्क्स क्या होती है, इसकी डिटेल में आपको जाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, बिकॉज हम यहाँ पे साइंस के पर्सपेक्टिव से नहीं पढ़ रहे हैं, यहाँ पे हम एक बच्चे के पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हैं जो कि एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड था इन दैट. तो अब उन्होंने यही टॉपिक क्यों लिया, ये टॉपिक इसलिए लिया उन्होंने क्योंकि ये एस्टैब्लिश फैक्ट था जो उन्हें पता चला कि जो वॉइसरॉय बटरफ्लाईज होती है वो मोनार्क्स को कॉपी क्यों करती है, क्योंकि जो मोनार्क्स हैं बर्ड्स को वो पसंद नहीं आती खाने में, ठीक है, इसीलिए बचने के लिए वो उनको कॉपी करती हैं. तो यही जो था समझना चाहते थे रिचर्ड ईब्राइट कि क्या ये बात सच है, ऐसा है कि ऐसा नहीं है. तो अब वो इस थ्योरी को टेस्ट करना चाहते थे क्या ये बात सच है कि नहीं. तो उनको पता चला कि स्टार्लिंग एक बर्ड जो होती है बेसिकली वो ऑर्डिनरी बर्ड फूड नहीं खाती, लेकिन हाँ जब उसने मोनार्क्स देखी तो वो सारी मोनार्क्स को जितना हो सके खा जाती है. तो जब ये बात सामने आई कि नहीं ये जो एस्टैब्लिश फैक्ट है ये गलत है, तो इनको बेसिकली काफ़ी बड़ा जो अवार्ड था वो मिला एंड ही केम थर्ड इन द ओवरऑल काउंटी साइंस फेयर. अब जब वो सेकेंड ईयर में थे अपने हाई स्कूल के,
तो उन्होंने बेसिकली एक और रिसर्च करी एंड एक्सीडेंटली आप कह सकते हैं मीन वाइल उनको एक और डिस्कवरी जो थी वो उन्होंने कर ली थी. एंड वो डिस्कवरी क्या थी? वो डिस्कवरी थी ऑफ अननोन इंसेक्ट हार्मोन. सो बेसिकली वो स्टडी क्या करना चाहते थे? वो स्टडी करना चाहते थे कि ये जो मोनार्क प्यूपा है इस पे जो टाइनी टाइनी गोल्ड स्पॉट्स हैं ये किस चीज़ के लिए हैं, इनका रीज़न क्या है. तो जब इन्होंने ये क्वेश्चन पुटअप किया तो सारे लोग कहते थे कि ऑर्नामेंटल है, सुंदर दिखने के लिए, और क्या रीज़न हो सकता है इसके पीछे. लेकिन इस आंसर से ये सैटिस्फाइड नहीं थे और ये कहते थे, मेरे साथ साथ जो डॉक्टर फ्रेडरिक थे वो भी इस आंसर से सैटिस्फाइड नहीं थे. तो पढ़ना तो ये वो चाहते थे बट मीनवाइल उसी रिसर्च के टाइम पे उन्होंने डिस्कवर किया एक अननोन इंसेक्ट हार्मोन. तो उसको स्टडी करने के लिए इन्होंने और इनके दोस्त ने एक ऐसा डिवाइस बनाया जो ये शो कर रहा था कि ये जो टाइनी स्पॉट्स हैं ये इस तरीके का हार्मोन प्रोड्यूस कर रहे हैं जो एक बटरफ्लाई के लिए या एक उसकी कंप्लीट फॉर्मेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. उसके बिना इट कैन नॉट बी कम्प्लीटेड. तो ये उनको पता चलता है बात कि ये जो टाइनी स्पॉट्स थे ये सिर्फ कोई सजावट के लिए नहीं थे या सुंदर दिखने के लिए नहीं थे, बट ये एक ऐसा हार्मोन सिक्रीट कर रहे हैं, एक ऐसा हार्मोन प्रोड्यूस कर रहे हैं जो कि एक बटरफ्लाई की फुल डेवलपमेंट के लिए इम्पॉर्टेंट है. सो अब अपने सीनियर ईयर में बेसिकली उन्होंने क्या किया, अगेन एक स्टेप फर्दर गए, वो अपने आप को एक स्टेप फर्दर पुश करते गए. वो तो नेक्स्ट ईयर में उन्होंने क्या किया, ही ग्रू अ सेल फ्रॉम मोनार्क्स विंग. मोनार्क्स विंग से एक सेल ग्रू किया बेसिकली इन अ कल्चर. एंड उससे क्या प्रूव करना चाहते थे? वो ये दिखाना चाहते थे कि सेल सिर्फ डेवलप और डिवाइड तभी होते हैं एंड वो बेसिकली फॉर्म होते हैं इनटू नॉर्मल बटरफ्लाई तब जब उनको ये जो पर्टिकुलर हार्मोन है उसको फीड किया जाता है. अगर उनको ये हार्मोन जो है वो फीड नहीं करवाया जाता तो वो नॉर्मल बटरफ्लाई में चेंज नहीं करते. दैट इज़ वॉट ही वॉन्टेड टू प्रूव. देन नेक्स्ट ईयर जब इनका फ्रेशमैन ईयर था हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में, तो वहाँ पे इन्होंने इस बात पे और फर्दर स्टडी करी एंड वहाँ जाके उन्होंने थोड़ी रिसर्च करी, देखा, लेबॉरेटरी में समझा, तो उनको इस हार्मोन का केमिकल स्ट्रक्चर जो था वो समझ आया कि किस तरीके से होता है. देन उसके बाद अगेन उन्होंने और सारी चीज़ों को बेसिकली यहाँ पे डिस्कवर किया, जैसे कि एक न्यू थ्योरी आई ऑफ सेल लाइफ. एंड वो उन्हें तब पता चला जब उन्हें एक्सरे फोटोज़ मिली उस केमिकल स्ट्रक्चर की. इस तरीके से हर एक साल वो अपनी जो लिमिट्स थी उसको पुश करते थे, हर एक साल एक नया आप कहते हैं स्टार या मेडल अपने नाम करते थे वो. और ये स्टार या मेडल ऐसा नहीं कोई फिजिकल थिंग बट अपने लिए ही एक नए बेंचमार्क जो थे वो सेट करते जा रहे थे, एक के बाद एक डिस्कवरी करके, एक के बाद एक चीज़ों को समझ के. तो उनका ये जो सारा आप कह सकते हैं जर्नी थी वो स्टार्ट हुई थी किस तरीके से, सिर्फ बटरफ्लाई कलेक्शन से. एंड अब उनको इंटरनेशनल लेवल पे इसके लिए अवार्ड्स मिल रहे थे. तो जब उनको ये एक्सरे फोटोज़ में देख रहे थे उसका केमिकल स्ट्रक्चर तो उनको समझ आया, तो उन्हें ये बात रियलाइज़ हुई, एक बायोलॉजी का सबसे बड़ा पज़ल जो था उस टाइम पे वो उनके सामने अब अनफोल्ड हो चुका था कि किस तरीके से जो सेल है दैट कैन रीड द ब्लूप्रिंट ऑफ डीएनए. एंड ये बात उनको तब रियलाइज़ हुई, तब उनको पता चली. एंड देन उनके और उनके दोस्त ने इस पूरे जो प्रोसीजर को एक्सप्लेन किया प्लास्टिक के मॉड्यूल्स बनाकर एंड फिर उसके बाद उसको एक्सप्लेन किया इन थ्योरी. सो रिचर्ड के बारे में जिससे मैंने आपको बताया वो स्ट्रेट एज लाने वाले स्टूडेंट थे, मतलब बहुत ही ब्राइट स्टूडेंट थे अपनी क्लास में. तो ये कोई सरप्राइजिंग बात नहीं थी कि उनकी क्लास हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में भी 1500 स्टूडेंट्स की थी जिसमें इन्हें हाईएस्ट ऑफ ऑनर मिला, ही केम सेकेंड. तो इसकी वजह से ये बेसिकली इतने ज़्यादा आप कह सकते हैं मोटिवेट हो गए, उनके लिए मोटिवेटिंग फैक्टर आता था कि उनको हर चीज़ में बेस्ट हो रहा है जो भी चीज़ वो कर रहे हैं. सो इसके बाद जब वो बेसिकली यहाँ से ग्रेजुएट हो चुके थे तो यहीं पे वो हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में ही एक रिसर्च या स्टूडेंट रिसर्चर के जो वर्क था वो करने लगे, वो स्टार्ट करने लगे. तो एज अ ग्रेजुएट स्टूडेंट रिसर्चर ये अपनी जो थ्योरीज थी उन पे वर्कआउट करने लगे, देखने लगे. एंड डेफिनेटली अब उनके पास जब एक जगह थी, एक लेबॉरेटरी थी एंड परफेक्ट एक तरीके से आप कह सकते हैं एटमॉस्फेयर था, एम्बियंस था जहाँ पे ये सारी चीज़ें कर सकते थे बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के, बिना किसी की इंटरफेरेंस के. एंड जिस काम के लिए आए थे सिर्फ वही करना है, ये रिसर्चर थे इनको सिर्फ रिसर्च ही करनी है, तो ये अपने एक्सपेरिमेंट्स जो थे वो आगे कंटिन्यू करते रहते थे. एंड अगर इनकी थ्योरी आगे प्रूव हो जाती है, जो भी एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, जो भी थ्योरीज लिखते हैं ये, अगर वो आगे जाकर सक्सेसफुल हो जाते हैं या प्रूव हो जाती हैं तो बड़े बड़े जो पजल्स हैं उनको सॉल्व ये आसानी से कर सकते हैं. एंड ये कौन से पजल्स? द बायोलॉजी पजल्स, जो बेसिकली बड़े बड़े साइंटिस्ट अभी तक जिनका आंसर ढूंढ रहे थे. अपार्ट फ्रॉम दैट हम देखते हैं कि रिचर्ड ना ही सिर्फ अच्छे स्टूडेंट थे, ना ही आप कह सकते हैं सिर्फ एक स्टूडियस इंसान थे, बट वो एक अच्छे कैनोइस्ट भी थे. अपार्ट फ्रॉम दैट वो एक अच्छे फोटोग्राफर भी थे.
एंड उनके एक टीचर थे जिनका नाम था मिस्टर व्यूरर. सो बेसिकली वो उनको काफ़ी ज़्यादा एडमायर करते थे एंड ईब्राइट को भी ये बहुत अच्छे लगते थे क्योंकि ये नई चीज़ों का उनके बारे में बताते थे एंड उनको बहुत अच्छा लगता था उनसे कोई भी नॉलेज गेन करना. तो उनके जो टीचर है वो कहते हैं कि रिचर्ड हर एक चीज़ के लिए बहुत एक्स्ट्रा एफर्ट पुट इन करते थे. अगर क्लास में भी कोई डिबेट होती थी तो देर रात तक बैठ के वो उस चीज़ को डिस्कस करते थे, उस चीज़ को बेसिकली वो सर्च करता था, जितना हो सकता था उसके बारे में पढ़ता था ताकि एटलीस्ट उसके पास इनफ इन्फॉर्मेशन हो. एंड उसके अंदर एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट थी और वो कॉम्पिटिटिव स्पिरिट कोई बुरी वाली कॉम्पिटिटिव स्पिरिट नहीं थी. वो कॉम्पिटिटिव स्पिरिट एक ऐसी स्पिरिट थी जहाँ पे ही वॉन्टेड टू विन फॉर विनिंग सेक या विनिंग प्राइज एंड उन्हें लगता था कि ये उसके लिए एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम बिल्कुल सही आप कह सकते हैं बिहेवियर था. बिकॉज आज जिस तरीके से हम उन्हें जानते हैं, जिस तरीके से वो अपनी लाइफ में सक्सेसफुल है, ये पॉसिबल नहीं हो पाता अगर ये स्पिरिट उनके अंदर स्टार्टिंग से नहीं होती. यही स्पिरिट थी जो उनके टीचर भी थे उनको उसके लिए काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करते थे. अपार्ट फ्रॉम दैट उनकी मदर भी उनको इसके लिए सपोर्ट करती थी. तो ये जो चैप्टर है ये यहीं पे ख़त्म होता है बताते हुए कि किस तरीके से एक बुक जो उनकी मदर उनके लिए लेकर आई थी पढ़ने के लिए, उन्होंने ऑलमोस्ट बटरफ्लाई कलेक्शन उस टाइम पे बंद कर दी थी बट इस बुक ने उनके लिए इतनी दूर का जो जर्नी थी उसको डिसाइड किया एंड ये बुक जो थी उसका नाम मैं आपके लिए लिखने वाली हूँ. तो यही था उस बुक का नाम. ये वही बुक थी जहाँ पे ओपन इनविटेशन था जो भी लोग इसे पढ़ रहे हैं कि वो बटरफ्लाइज को टैग करके भेजें. सो इस बुक का नाम था द ट्रैवल्स ऑफ मोनार्क एंड मे बी उसका 10th एडिशन होगा तो इसीलिए इसके आगे हम देखते हैं 10th लिखा है. सो यहीं पे ये जो चैप्टर है ख़त्म हो जाता है जहाँ पे हम जर्नी देखते हैं रिचर्ड ईब्राइट की कि बचपन से ही उन्हें जिस चीज़ का शौक था एट द एंड ऑफ इट वो अपनी लाइफ में वही करते हैं एंड ऐसा नहीं है कि एक चीज़ रैंडमली उनके दिमाग में आ गई तो वो अगले दिन जाके उस पर वर्कआउट करते हैं, ऐसा नहीं है. बचपन से उनमें एक क्रेज़ था, एक तरह का आप कह सकते हैं ऑब्जर्वेशन का, लर्निंग का क्यूरियोसिटी थी उनके अंदर. उन चीज़ों को उन्होंने स्टार्टिंग से ही काफ़ी ज़्यादा अपनी लाइफ में अहमियत दी. उनकी मदर ने उनको सपोर्ट किया, उनके टीचर्स ने उनको सपोर्ट किया, उनकी कॉम्पिटिटिव स्पिरिट थी एंड इसी की वजह से आज वो इतनी लाइफ में सक्सेसफुल रहे. सो अब आपको चैप्टर का टाइटल तो समझ आ ही गया होगा, द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट, मतलब क्या क्या चीज़ें लगी या कितना टाइम उन्होंने इन्वेस्ट किया, कितनी रिसर्च करी तब जाके वो एक साइंटिस्ट बन पाए. सो अब ये तो इस चैप्टर की समरी थी जो मैंने आपको बता दी. अब इसमें से जो क्वेश्चंस आएंगे, जैसे मैंने आपको बताया कि इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है, आपके बोर्ड्स में से इसमें से बिल्कुल भी क्वेश्चंस नहीं आए हैं. जो एक दो क्वेश्चन आए हैं वो इतने ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है. सिर्फ फॉर इंस्टेंस जैसे मैंने आपको बता ही दिया कि उन्होंने क्या क्या चीज़ों के बारे में रिसर्च करी थी तो वो याद रखना, ऑल दो उनको आप मगअप मत करना बट रिमेंबर रखना कि इन इन चीज़ों पर उन्होंने काम किया था एंड जो बुक का नाम था वो काफ़ी इंपॉर्टेंट था, वो मैं आपके लिए मैंशन कर ही चुकी हूँ. So that's all for this video. इस चैप्टर के लिए भी इतना ही. Now until the next video, keep practicing, keep learning.